मुझे लग रहा है पहले तो सीधे बाथरूम में जाएंगे बाथरूम में जाके फिर आगे यू कैन गेस आप लड़का हो यार मैं कैसे गेस करूं आप बताओ दुनिया सुधारनी हां जी क्या करोगे शेव करोगे ये कौन से शौक है आपके लड़के पटाऊंगा लड़के कैसे पटाओगे जो अच्छी अच्छी कंपनी में लगाओ जीन शीन डाल के जाएंगे टॉप डाल के जाएंगे अभी पटा लो अभी लड़की नहीं ना क्योंकि मैं लड़का बन चुकी होंगी सो यू वांट एक्सपीरियंस की लड़की को डेट करके कैसा कैसा लगता फील होता है यार राइट ये फील मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन आज कभी जिंदगी में कर नहीं पाया हूँ क्या करूंगा तैयार शहर होकर निकलूंगा देखूंगा हाँ। कोई अच्छा सा लड़का पटाऊंगा उसको ये लड़के ही क्यों पटाने हैं सबको के जो छपरी लड़के जो लड़कियों को चलने नहीं देते दस्तावेज से उनको पढ़ना चाहिए कहाँ पे मिले छपरी लड़के इधर भी पढ़े हैं हैं जम्मू में हैं बहुत ज्यादा ओके समझ रहे हो समझ रहे हो अगर एक सुबह आप जागती हैं और आपको पता चलता है कि आप एक लड़का हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगी मैं जाके एक लड़की को डेट करूंगी क्यों क्योंकि मैं लड़का बन चुकी होंगी सो यू वांट एक्सपीरियंस की लड़की को डेट करके कैसा फील होता है यार राइट ये फील मैं भी करना चाहता हूं लेकिन आज कभी जिंदगी में कर नहीं पाया हूं अच्छा उसके बाद क्या करेगी उसके बाद मैं घर आके यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करूंगा लाइक अ बॉय जैसे वो लोग करते हैं यू नो आई रियली वांट टू हैव अ बॉय टॉक ओके यू नो राइट राइट तो ये लड़की बेताब है लड़का बनने के लिए मैं समझ रहा हूँ बेताब नहीं हूँ लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर यू नो अगर एक सुबह आप जागती हैं और आपको पता चलता है कि आप लड़का हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगी अगर सुबह जाके लड़का है हाँ तो आई विल गो बैक टू स्लीप व्हाई क्योंकि आई एम हैप्पी बीइंग अ गर्ल बीइंग अ गर्ल मतलब फेमिनिज्म वाला आ रहा है ना बीइंग अ गर्ल हैप्पी ओके अच्छा अगर एक सुबह आप जागते हैं और आपको पता चलता है आप एक लड़की हो सबसे पहले क्या करोगे वो तो पहले ही है वो क्या हो चुका वो कैसे हो चुका वो क्यों वो बाकी से भाई क्या बोल रही है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है अबे कौन सा एक्सपीरियंस कर रखा है बोलता है भाई वही कि मैं भाई एक्सपीरियंस हो गया आज तो वो क्या वो कौन सा वाला ये पहले से आया तभी नहीं ये चलो ऐसी बात हुई क्या करोगे अगर सबसे पहले पता लगा आपको सिचुएशन ही गलत है ना आपकी क्यों जो ये पॉसिबल ही नहीं है ना नहीं भाई मतलब आप सुबह उठते हो आपको पता चलता है लड़की सबसे पहले क्या करोगे मैं क्या करूंगा हाँ। मैं कुछ नहीं करूंगा कुछ तो होगा क्यों लड़कियों को सोना पसंद होता ना ये कहाँ का लॉजिक है वो मुझे बताने लायक नहीं लग रहा कुछ नहीं बता दो कोई नहीं देख रहा है तीन बंदे हैं कोई चक्कर नहीं अरे बाद में तो मुझे देखती ना नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अपनी घर की बातें बताओ क्या क्या बताओ तुझे ऐसा क्या करना है इस लड़की ने लड़का बन के मैं भी देखना सुनना चाहता हूँ पहले चेक करनी आज बियर्ड ट्रिम करनी है या नहीं करनी है ओके बस ये उसके बाद ये शॉकिंग होगा ना जेंडर चेंज हो गया एक ही रात में सबसे पहले दाढ़ी काटनी है इस लड़की को उसके बाद में निकली चिकनी अगले से अच्छा उसके बाद बस यही एक तमन्ना है दाढ़ी काटनी जैसे बॉयज का रहता है आज नहाए या ना नहाए वो तो लड़कियां भी नहीं नहा सकती है सब टू यू लड़कियां नहाती है तो नहीं नहाओ हमने मना किया मुझे लग रहा है पहले तो सीधे बाथरूम में जाएंगे बाथरूम में जाके फिर आगे यू कैन गेस आप लड़का हो मैं कैसे गेस करूं आप बताओ आप बताओ आप क्या करते हो क्या मैं बोल देती हूँ वही आंसर ही मैं बाथरूम में जाके मैं ब्रश करता हूँ नहाता हूँ उससे ज्यादा कुछ बस वही ब्रश और नहाना ओके समझ रहे हो समझ रहे हो सोचा नहीं यार मैंने क्या करोगे शेव करोगे ये कौन से शौक है आपके प्रैक्टिस भी है हां जी प्रैक्टिस भी है प्रैक्टिस आप बताओ यार आप सबसे पहले क्या करोगे सुबह पता आपको पता चला आप एक लड़की हो सबसे पहले सो उठ के क्या करोगे मैं क्या करूंगा हाँ। मैं अपने भाइयों की मदद कर दूंगा कैसे कैसे अब कईयों का नहीं है स्कोप फिर क्या कर सकते कौन सा स्कोप बस डिटेल प्लीज एक्सप्लेन प्लीज बस इतना बहुत है बाकी देखने वाले समझ जाएंगे मैं अपनी ब्यूटी एडमायर करूंगा कैसे पहले तो शीशे में देखूंगा आए आए आए, क्या बात है फिर भगवान को शुक्र करूंगा कि ऐसा हुस्न दिया क्या बात है और फिर और बस उसके बाद यही सोच सोच के जहाँ जाना होगा चले जाऊंगा कहाँ जाना है कहीं भी कोई पार्टी में कोई कहीं जो भी काम करता होगा वन डे इफ यू वोक अप एज अ बॉय व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू
first thing I look. She'll go to bathroom. And she'll go to bathroom. No, no. First thing everybody does in the morning. In the वैसे और भी बहुत सी चीजें होती हैं मॉर्निंग में करने के लिए. I have never thought something like that, but agar fir bhi ladko aati to I would have definitely do something in a prank way with my parents or something like with my friends as well. Tu abhi bhi kar sakte ho na prank wagera. ladke pataunga. ladke kaise pataoge? Jo acche acche company mein lagao, jeans jeans dal ke jayenge, top dal ke jayenge. abhi pata lo. अभी लड़की नहीं ना अब क्या करोगे जब बनूंगा तब ना इनका फ्यूचर मतलब गोल देख लो अगर लड़की होता तो लड़का बटाता मैं वहां से आप क्या करते जाओ तो मिलनी नहीं भाई जाओ तो मिलेगी नहीं जाओ तो चाहे लड़का हो लड़की हो बिजनेसमैन को तो शक्ल हो जाते ये सही है यार ये आईडिया सबसे पहले आप क्या करोगे बाल बाल ठीक करूंगा अपना पहले मुझे ही फोन करता है कि मैं लड़की कैसे बन गया नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है नहीं कुछ नहीं करते भैया अच्छा रहता यार तू था लड़की होता तो काफी अच्छा रहता क्यों तो मेरे साथ ही रहता ना काफी टाइम अच्छा क्या करने निकलेंगे कहाँ पार्क में क्यों ऐसे लड़कों को दिखाने के लिए लड़कों को क्या दिखाने के लिए कि मैं लड़की हूँ क्या करूंगा तैयार शहर होकर निकलूंगा देखूंगा कोई अच्छा सा लड़का बटाऊंगा उसको ये लड़के क्यों बटाने हैं सबको Enjoy करना लाइफ में और क्या करना है अच्छा पटाखे enjoy होता है I will look under what is under my pant obviously यार और क्या और कुछ नहीं बस इतना ही होगा If one day you woke up as a boy what is the first thing you'll do दुनिया सुधारनी है जी वो बताएंगे दुनिया सुधारनी है कैसे कैसे like जो dirty mind boys है ना पहले तो उनको सुधारना है जो लड़कियों को अपनी जूती समझते हैं लड़कियां तो कहती हैं जूती लादे सोनी लड़की थोड़ी समझते हैं जूती वो समझते हैं कि लाइक हम लड़की को अपनी मुट्ठी में रखें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा है कहां होता है ऐसा ये लिटरली ये ना इस जनरेशन का फैक्ट है अच्छा तो आप अगर सुबह आप जागे आपको पता है लड़के तो सबसे पहले क्या करेंगे लड़कों को सुधारेंगे पहले सबसे यही चीज करूंगी कि जो इनका माइंड है ना वही सेटअप करना अभी सुधार लो ना अभी लड़के सुन देंगे किसी की और नहीं तो क्या सुन लेंगे वो नहीं सुन लूंगा सबसे पहले मैं मिरर में देखूंगा अपने आप को क्यों उसका जवाब नहीं देता मिरर में देखूं मूवी कैसे लग रहा है मुझे अपने आप को देख कर क्या करोगे कर दूंगा अपने बॉयफ्रेंड को फोन अपने अच्छा बॉयफ्रेंड पहले का बना लिया होगा और क्या वहां सोच बढ़िया आगे तक गई है आपकी आगे चलना पड़ता है चार कदम हां क्या बात और कोई सवाल ना बस इतना ही बस बस ऐसे डर रहे हैं सब ये डर रहा नहीं है डराने आ रहे नहीं अच्छा हां फ्रीली घूमेंगे वो तो अभी भी घूम ही रहे डोमिनोज पे पिज्जा खा रहे हो और क्या घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है लड़के बिना पूछे निकल जाते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता परमिशन लेनी पड़ती है डैडी से नहीं फिर भी उनको कम डांट पड़ती है कंपेयर टू अस अच्छा सबसे पहले हमें डेडलाइन मिलती है कितने बजे तक घर पहुंचना है उनको नहीं मिलती डेडलाइन हमें मिलती है ऐसी बात नहीं है नहीं रे अर्ली अच्छा तो लड़के बने सबसे पहले फ्रीली घूमना है और कोई अरमान नहीं है और लड़कों को चंडे मारनी है क्यों यार एक तो सबको मारनी है क्यों मारनी क्योंकि जो छपरी लड़के जो लड़कियों को चलने नहीं देते तख्तबीस से उनको पढ़ना चाहिए कहां पे मिले छपरी लड़के इधर भी बड़े हैं हैं जम्मू में हैं बहुत ज्यादा है बीपी आप आधा बीपी पे छपरी ही पहुंचे हुए सही में अच्छा ये बीपी बहु प्लाजा मेरे को आज पता लगा बीपी बहु प्लाजा क्या ये कब से निकनेम रखा ये बड़ी देर से बड़ा पुराना निकनेम है आपको आज पता चल रहा है किसने रखा सबने रखा या है ये है बीपी ही बोलते हैं बीपी है हम बीपी को चोरी समझते हैं चलो बहु प्लाजा है चलो अच्छी बात है थैंक यू हम शरीफ बच्चे हैं थैंक यू हाँ पूरे दिन बाहर आना चाहूंगी वो भी घर पे बिना बताए वो तो अभी भी रह सकते हो नहीं बिना बताए नहीं रह सकते बिना बताए नहीं रह सकते तो लड़के भी कहाँ रह सकते बताना पड़ता है नहीं बताना पड़ता क्यों बताना पड़ता मुझे नहीं लगता अगर लड़कियों को 100 कॉल्स आती है तो लड़कों को एक आती होगी अच्छा ठीक है बैठा जाओ ठीक है आप क्या करोगे बोल ही नहीं लड़की कुछ उसकी तरफ देख रही है सिर्फ अब्बा डब्बा जब्बा अरे बोलो तो सही क्या बोल रही है लड़की क्या बोलूं हां बोलती है हां बोलती हूं मैं तो क्या करोगे अगर पता चला आप लड़के हो तो मैं नाइट आउट करूंगी नाइट आउट करूंगी सबको घूमना फिरना है बाहर खुले रहना है मतलब यही करना है सबको और कुछ नहीं करना नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स NCC बायजूस टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस
प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।